और अब बात खेल खिलाड़ी और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की कर लेते हैं। लखनऊ की बीबीडी यूनिवर्सिटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत जूडो की प्रतियोगिताएं चल रही हैं। यहां उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर हलवासिया ने दूरदर्शन के साथ विशेष बातचीत की। देखिए दूरदर्शन संवाददाता दुर्गा शर्मा की खास रिपोर्ट। जूडो आत्मरक्षा का एक हुनर जो अब विश्वविख्यात हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भी जूडो में कई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी हैं। हलवासिया जी, हम ये जानना चाहेंगे ये जो खेलो इंडिया प्रतिस्पर्धा हो रही है वो किस तरह से कारगर है जूडो को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, ये बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव है सरकार का और मोदी सरकार को और मैं योगी सरकार को बधाई देता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए। निश्चय ही जब कोई अच्छा टूर्नामेंट होता है, अच्छी प्रतियोगिता होती है, तो खिलाड़ियों को इससे बहुत ही मनोबल बढ़ता है, खेल में कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलता है और आगे बढ़ने के लिए निश्चय ही रास्ते खुलते हैं। जूडो की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने के लिए आपका एसोसिएशन किस तरह से काम कर रहा है? जूडो के खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा है उसको आगे लाने के लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। अभी हमने लखनऊ में एक शानदार जूडो अकेडमी तैयार की है जहां पे बच्चों को प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है, टूर्नामेंट्स की तैयारी करने का मौका मिल रहा है और ये एक ऐसी सुविधा है जो अब बच्चों के लिए उपलब्ध हो गई है। जो बच्चे कैंप नहीं मिल पाता था, तैयारी नहीं कर पाते थे, कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी, वो अब सब कर सकेंगे और हमें उम्मीद है कि बच्चे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ग्रामीण अंचलों की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए क्या प्रयास हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका दुर्गा जी। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि यूपी के सभी जिलों में हमारी जो एसोसिएशन है उसका एक विंग खुले और जो वहाँ के स्थानीय बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो आपने सुना उत्तर प्रदेश जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी को, जिन्होंने कहा है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल तक यहाँ के खेल विभाग की पहुँच बढ़ी है और आने वाले समय में और बृहद स्तर पर आयोजन होंगे। लखनऊ में कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ मैं दुर्गा शर्मा, DD News।